वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से हाजिर हैं आपके बीच। और आज हम आपके बीच लेकर आए हैं, यह देख सकते हैं बैटरी। तो यह बैटरी क्या है, तो आप जानते होंगे कि यह मोबाइल का बैटरी है। तो किसी भी मोबाइल में यह बैटरी आपको देखने को मिलता होगा। तो आपको बता दें कि यह लिथियम आयन बैटरी है और इसके अंदर जो आज हम देखने वाले हैं कि क्या रहता है, तो इसे हम काट कर ट्राई करेंगे। तो और आपको सबसे पहले बता दें कि इसका वोल्ट जो है 3.7 वोल्ट इसका करंट है और यह बिल्कुल डिस्चार्ज, मतलब 50% डिस्चार्ज बैटरी है। तो इसे हम सोचे कि ट्राई करके देखें कि इसके अंदर क्या निकलता है। पर इसके ऊपर हम देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में लिखा गया है, इसमें दिखाया गया है कि इसे आप आग में नहीं फेंक सकते हैं या इसे खोलने का प्रयास नहीं कर सकते हैं या किसी जानवर के ऊपर फोटो दिया गया है, इस प्रकार से इस पर इंट्रोडक्शन दिया गया है। मतलब इसे कभी भी आप असेंबल नहीं कर सकते हैं, जो एक बार पैकिंग हो गया है तो हो गया है। परंतु हम इसके अंदर आज ट्राई करेंगे खोल कर कि इसके अंदर क्या होता है, अगर इसे खोलने से क्या होता है। तो चलिए हम ट्राई करते हैं और देखते हैं, और वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे खोलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एक सर्किट दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर हमें एक सर्किट मिला है। तो सर्किट का काम है इस करंट को संतुलित करके सही वोल्टेज देना, इसलिए इसमें सर्किट लगाया जाता है। और इसके अंदर है बैटरी, तो यह बैटरी का प्लस पॉइंट है। तो प्लस हो गया और पूरा बैटरी के ऊपरी भाग में जितना भी ऊपरी भाग है सभी को माइनस प्रिंट रखा गया है। देख सकते हैं यह स्टील का इसके अंदर पैकिंग है और यह हो गया माइनस और यह हो गया प्लस। तो हमें सावधानी पूर्वक खोलना पड़ेगा क्योंकि अगर प्लस माइनस शॉर्ट होगा तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आराम आराम से इसे हम खोलने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, बैटरी के अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है कि बैटरी का सीरियल नंबर और इस पर कुछ स्कैनर कार्ड भी चिपकाया गया है। तो यह हमें लगता है कि यह ओरिजिनल बैटरी है, पावरफुल है, इस वजह से इसमें इस तरह से पैकिंग और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से इसे पैक किया गया है। तो चलिए हम पीछे की ओर से इसे तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें स्पार्क भी अभी निकला था। तो यह हमें लगता है कि यह शॉर्ट हो रहा है, इस वजह से इसमें स्पार्क क्रिएट हो रहा है। तो इस कवर के अंदर से हमें कुछ इस प्रकार से बैटरी हमें मिला है और इसके अंदर देख सकते हैं यह हरा कलर का प्लास्टिक है, ऊपर से पैक किया गया है। और अब इसे खोलते हैं। तो दोस्तों, यह तो हमें कुछ भिगा हुआ लग रहा है, इसमें भी लगता है कुछ एसिड की मात्रा है। और अब हम इसे कोशिश करते हैं दोनों को अलग करने की। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यह बैटरी कुछ इस प्रकार से हमें अंदर से दिखाई देता है। यह ब्लैक ब्लैक है और इसके अंदर हमें लगता है कि इसमें एक साइड प्लस है और एक साइड माइनस है और कुछ इस प्रकार से। और बीच में देख सकते हैं, बीच में भी एक प्लास्टिक दिया गया है और ये प्लस माइनस शॉर्ट ना हो इस वजह से। और यह बैटरी कुछ इस प्रकार से है। तो यह देखते हैं शॉर्ट होने के बाद लगता है कि यह हमें गर्म
गर्म हो रहा है कुछ। बैटरी हमारा बिल्कुल डिस्चार्ज था, इस वजह से ज़्यादा इसमें पावर नहीं रहा। और ऐसे तो यह बहुत गर्म हो चुका है, परंतु ये इसमें एनर्जी नहीं होने के कारण से यह इसमें कुछ ज़्यादा हमें खतरा नहीं देखने को मिला। तो आपको दिखा दें कि बैटरी में दो टर्मिनल होता है जो प्लस माइनस होता है, तो यह पॉजिटिव है और यह निगेटिव है। तो यही पॉजिटिव निगेटिव मिलकर करंट तैयार होता है, और इसके बीच में यह प्लास्टिक दिया हुआ रहता है ताकि अंदर से शॉर्ट ना हो, दोनों को अलग अलग करके रखा गया था। तो यही था एक बैटरी के अंदर, तो आपको पता चल गया होगा बैटरी के अंदर क्या होता है। तो आपको घर में ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे फाड़ कर नहीं देखें, आप इस वीडियो में देख लिए होंगे और समझ गए होंगे। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले के और नए वीडियो में कुछ नया करते हुए, और आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर इसी प्रकार से और भी कोई चीज़ के अंदर आप देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको हम उसके अंदर का राज दिखाएंगे कि उसके अंदर क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।